नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू योर ओन चैनल लर्न टू अर्न बाय केआर। सो फ्रेंड्स, टुडे वुड बी डिस्कसिंग अबाउट एचएफसीएल लिमिटेड, बिकॉज हम लोगों को यहाँ पर बहुत ही अच्छा खासा रिटर्न ऑलरेडी आ चुका है शेयर में। देख सकते हैं आज के दिन में लगभग इसे 9% का उछाल, 10% का उछाल देखने को मिला है स्टॉक में। क्यों ही उछाल आया था, लास्ट वीडियो में मैंने क्लियरली स्टेट किया था। आप इस वीडियो को वॉच कीजिए, इस वीडियो का लिंक जो रहेगा आज के वीडियो की डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल रहेगा, आप उसको वॉच कर सकते हैं। क्यों उछाल आया था मैंने क्लियरली स्टेट किया था, डिफेंस प्रोडक्ट से लेकर न्यूज आया था, एफआईडी यहाँ पर अपना स्टेक को बढ़ा रहे हैं एंड काफी अभी अपमूव इसमें बचा हुआ है। भूल कर भी स्टॉक को बेचना नहीं है और इसमें मैं कोई बायर सेल रिकमेंडेशन आपको नहीं दे रहा हूं। तो फ्रेंड, इतना अच्छा रिटर्न, 10 से 15% का रिटर्न 1 वीक के अंदर में आ गया है। तो एक लाइक और शेयर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग तक ये वीडियो पहुंच सके, ज्यादा से ज्यादा लोग इसमें प्रॉफिट कमा सके एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप रेगुलर अपडेट्स आपको ऐसा मिलता रहे। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि किन दो कारणों से आज तेजी इस शेयर में देखने को मिला था। एक तो मैंने ऑलरेडी बता दिया इस वीडियो के जरिए कि किस कारण से इसमें तेजी आई। दूसरा रीजन आ रहा है कि आज गवर्नमेंट के बहुत इंपॉर्टेंट आज बैठक है, अहम बैठक है। यहाँ पर देख सकते हैं, गूगल आप टाइप कीजिएगा, देखिए देख सकते हैं, टेलीकॉम बिल अलाउ गवर्नमेंट टू सस्पेंड टेक ओवर सर्विसेज। यहाँ पर देख सकते हैं, गवर्नमेंट लाइकली टू टेबल टेलीकम्युनिकेशन बिल 2023। तो आज टेलीकम्युनिकेशन बिल 2023 पे बात हो रही है, न्यू टेलीकॉम बिल टू अप्रूव एडमिनिस्ट्रेटिव एलोकेशन फॉर सैटेलाइट। तो काफी इंपॉर्टेंट अपडेट आने वाला है, इस अपडेट का हम लोगों को वेट करना चाहिए। है क्या ये, इसको जरा चेक कर लेते हैं। ओके, सो टेलीकम्युनिकेशन बिल 2023 यहाँ पर देख सकते हैं, टेलीकॉम बिल अलाउ गवर्नमेंट टू सस्पेंड टेक ओवर सर्विसेस। तो मैंने उसमें से एक आर्टिकल लिया है, आपको बता रहा हूं यहाँ पर। तो ड्राफ्ट अभी की जो ड्राफ्ट टेलीकॉम कम्युनिकेशन बिल जो है 2023 इंट्रोड्यूस्ड इन लोकसभा ऑन मंडे, अलाउ गवर्नमेंट टू टेक ओवर मैनेज और सस्पेंड एनी और ऑल टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज ऑन नेटवर्क इन इंटरेस्ट ऑफ नेशनल सिक्योरिटी। तो नेशनल सिक्योरिटी के रीजन से सभी सर्विसेज को अब गवर्नमेंट जो रहता है मैनेज कर सकती है। दूसरा चीज क्या है, द टेलीकम्युनिकेशन बिल 2023 एम टू रिप्लेस द 138 ईयर ओल्ड इंडियन टेलीग्राफ एक्ट दैट गवर्नमेंट्स द टेलीकॉम सेक्टर। तो 138 साल पुराना जो ये एक्ट है, टेलीग्राफ एक्ट जो है, वो उसमें चेंजेस लाया जा सकता है। कैबिनेट हैड क्लियर द कैबिनेट बिल इन अगस्त, ऑलरेडी क्लियर हो चुका है। ड्राफ्ट टेलीकम्युनिकेशन बिल रिलीज इन 2023 जो कि प्रपोज किया था टू ब्रिंग ओवर द टॉप और इंटरनेट बेस्ड कॉलिंग एंड मैसेजिंग ऐप अंडर द डेफिनेशन ऑफ टेलीकम्युनिकेशन एनहांसेस यूजर सेफ्टीज। तो जो भी कॉलिंग जो देख सकते हैं यहाँ पर हो रहा है इंटरनेट बेस्ड कॉलिंग या मैसेजिंग ऐप से, तो भी अब अंडर द डेफिनेशन ऑफ टेलीकम्युनिकेशन टू एनहांस यूजर सेफ्टी यहाँ बताया जा रही है। दूसरा चीज है, द बिल हैड प्रपोज टू कर द पावर ऑफ टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ऑन विच द इंडस्ट्री प्लेयर हैड रेज कंसर्न। तो बहुत सारे इंडस्ट्री प्लेयर जो है ट्राई का जो रहता है का जो पावर जो है उसपे कंसर्न रेस किया था, उस पर भी बात हो रही है। दूसरा चीज है, अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट ऑफिशियल द इशू अराउंड ओवर द टॉप प्लेयर एंड ट्राई वे रिजॉल्व बिफोर इट वॉज क्लियर बाय द कैबिनेट। एंड उसके अलावा यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान दीजिएगा, द ड्राफ्ट हैड प्रपोज टू ईज सम ऑफ द रूल्स लाइक रिफंड ऑफ फीस और लाइसेंस रजिस्ट्रेशन एक्सेट्रा इन केस ऑफ एनी सरेंडर इज परमिट। न्यू बिल प्रपोज द गवर्नमेंट बी वेस्टेड विद द पावर टू वेव ऑफ एंट्री फी, लाइसेंस फी, पेनाल्टी एक्सेट्रा इन द इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर, इंश्योरिंग कॉम्पिटिशन इन द मार्केट, अवेलेबिलिटी और कंटिन्यूटी ऑफ टेलीकॉम नेटवर्क एंड नेशनल सिक्योरिटी। तो काफी सारे टेलीकॉम कंपनी जो है इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट हो सकता है इन नियर टर्म। ये न्यूज का हम लोगों को वेट करना चाहिए कि क्या अपडेट आ रहा है, उसके बाद जो रहता है मैं वीडियो के जरिए आपको बताता रहूंगा कि क्या अपडेट आ रहा है। चलिए अभी हम लोग डिस्कस करेंगे चार्ट में कहाँ पर सपोर्ट है, कहाँ रेसिस्टेंस है, इन सभी चीजों को डिस्कस करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड, अभी जो यहाँ पर एक रेसिस्टेंस का ही लेवल है 80 रुपीज, 81 रुपीज इसके लिए रेसिस्टेंस का काम करेगा एंड दूसरा रेसिस्टेंस जो इसके लिए रहेगा वो है 89 का इनका लेवल रहेगा। 89 का लेवल एक इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा बिकॉज इससे पहले भी जब गिरावट यहाँ पर हुई थी तो 89 के पास ही गिरावट हुआ था, ध्यान दीजिएगा। इससे पहले देखिए, जब भी 89 के लेवल को क्रॉस करता है तो यहाँ पर अच्छी खासी बिकवाली का सामना इसको करना पड़ता है। तो 89-90 की रेंज में एक अच्छा अब इसके लिए रेसिस्टेंस है, इस जगह पर आपको ध्यान से ट्रेड करना है। एंड दूसरा, अगर ये टूट जाता है तो 100 का लेवल तुरंत में आपको अचीव होगा, तुरंत में आपको देखने को मिल जाएगा 100 का लेवल। तो 105, 110, 120 का रेंज रहता है, 120 तक का यहां से टारगेट अचीव हो सकता है। लेकिन अगर आप स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड कीजिएगा तभी ऐसा कोई ट्रेड इनिशिएट कीजिए, अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से संपर्क करने के बाद ही कोई काम कीजिएगा। ओके, सो मैंने आपको स्टॉप लॉस ही बता दिया है, मैंने आपको टारगेट ही बता दिया क्या आ सकता है एंड अभी बहुत इंपॉर्टेंट क्रिटिकल मीटिंग चल रही है तो ध्यान से आपको ट्रेड करना है। तो दिस इज ऑल अबाउट एचएसपीएल। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, अलविदा, धन्यवाद, थैंक यू।